Hello, good morning and happy Diwali to all my YouTube family. आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं दुआ करता हूं कि ये दीपावली के हज़ारों दिए आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां, सुख चैन शांति और आनंद और आपके स्वास्थ्य को इसी तरह बरकरार रखे और हमारा साथ यूं ही बने रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। इन्हीं दुआओं के साथ शुरू करता हूं मैं आज का अपना ब्लॉग। आज मुझे दिवाली की शॉपिंग के लिए कुछ देर बाज़ार जाना है, जो पलवल बाज़ार में जाना है, तो वहां से कुछ शॉपिंग करना है। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं पलवल बाज़ार की ओर। यहाँ का मशहूर बाज़ार है मीनार गेट, वहाँ ले चलेंगे आप लोगों को। बाज़ार में रौनक काफ़ी हो चुका है, मैं भी निकल पड़ा हूँ अभी बाज़ार के लिए मीनार गेट की ओर। काफ़ी चहल पहल यहीं से शुरू है, यहाँ से मीनार गेट 1 किलोमीटर की दूरी पे है मीनार गेट। अब वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँगा और उसके बाद दोबारा वापस आऊँगा मैं यहाँ पर। ये देखिए गन वगैरह है, ये दिवाली के लिए यहाँ पटाखे कम चलते हैं, इस टाइप के गन और पटाखे जलाने के लिए चलते हैं। पीछे पीछे काफ़ी दूर से आया हमारा फोटो ले बोल के, तो चलो आज मैं इनका भी वीडियो बना देता हूँ। हेलो, ये दुकानें सज रहे हैं दिवाली के लिए फर्नीचर के। सबसे पहले तो मुझे बेडशीट लेना है और मुझे यहाँ पर एक बेडशीट का दुकान मिल गया है, दिखाता हूँ आपको। और यहाँ रेट पूछते हैं आप। ये जी संजू हैंडलूम, अब यहाँ पूछेंगे हम क्या क्या रेट्स हैं। भाई जी बेडशीट मिलेंगे, सबसे कम रेंज कहाँ से शुरू है जी? 100 रुपये। अच्छा 100 रुपये से शुरू है, चलो 100 रुपये वाला दिखा देना मुझे आपने। तो देखा आप लोगों ने अभी, मैंने इनसे रेट पूछा तो यहाँ पर सबसे सस्ता 100 रुपये का है, 100 रुपये से शुरू है यहाँ पर। मैं यहीं से लूँगा, मैं पहले 100 रुपये वाला देखूँगा और उसके बाद फिर दूसरे देखूँगा। काफ़ी सस्ते में मिल रहा है यहाँ पर, आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सा हैंडलूम है विकास? संजू हैंडलूम, मीनार गेट से थोड़ा पीछे है, यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत सस्ते में और किफ़ायती दाम में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ से तो मेरा हो गया शॉपिंग, अभी मैं ये 4 बेडशीट लेके जा रहा हूँ, ये 100 रुपये के हैं। मुझे ऐसे ही काम चलाओ बेडशीट चाहिए थे तो मैं ले लिए ये 4 बेडशीट। ठीक है दादा जी, ओके। यहाँ से तो हो गया जी मेरा शॉपिंग, अब मैं निकलता हूँ मीनार गेट की ओर और वहाँ से मुझे थोड़ा कुछ और सामान लेने का है, अब चलते हैं सीधा मीनार गेट की ओर। अब कितने अच्छे से सजाया है दुकानों को। ये लोग दीपावली के लिए दिए दिए वगैरह बेच रहे हैं। मैं मीनार गेट के बिल्कुल करीब हूँ, यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी में मीनार गेट है, यहीं से शुरू होता है मीनार गेट। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मीनार गेट का। और यह है मीनार गेट, बहुत ही चहल पहल वाला मार्केट है ये। अभी तो आज इतना भीड़ नहीं है, मैं सुबह सुबह आ गया हूँ यहाँ पर, इसलिए इतना भीड़ नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह नहीं होता है। आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, दुकानें देख सकते हैं आप, दुकानें कितने अच्छे से सजाया हुआ है।
मुझे एक टब लेना था, तो मुझे यहाँ दिख गया है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको टब वाला दुकान। ये जी यहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा, छोटे से लेकर बड़ा तक, फ्री से लेकर हर चीज़ मिल जाता है यहाँ मेरे ख्याल से। अभी मैंने ये टब लिया है और एक मुझे एक छोटा सा जग लेना है। कौन सा लेना है? एक एक ये टब और ये जग लिया है मैंने अभी। यहाँ पर रेट एकदम फिक्स है, कोई बार्गेनिंग नहीं होता है, एकदम फिक्स रेट में मिलता है, इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ से। अब देखते आगे थोड़ा और सामान लेने का है और लूंगा मैं आगे जाके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिवाली के लिए ताज़ा ताज़ा मिठाइयाँ बन रही हैं। यहाँ पर इस साइड ताज़ा मिठाइयाँ बन रही है और इस साइड में सेल चला हुआ है, एकदम फ्रेश और ताज़ा मिठाइयाँ मिलती है यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर गुलाब जामुन बन रहे हैं दिवाली के लिए। ये होलसेल करते थे यही से बना के जो मार्केट में सप्लाई करते हैं। ये लोग दीपावली के लिए फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। ये जी दिवाली के लिए मिठाइयों की दुकान है। यहाँ पर मिठाइयों का स्टॉल बहुत खूब लगता है दिवाली के दिन, जगह जगह में स्टॉल लगता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह के मिठाइयों की दुकानें जगह जगह में लगते हैं, मिठाइयों के स्टॉल लगते हैं जगह जगह में। अब मैं बाकी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं मीनार गेट से होते हुए हर रसूलपुर चौक में आया था, तो यहाँ पर भी लगा हुआ है एक मिठाई का स्टॉल। ये देखिए आप देख सकते हैं रसगुल्ले, इधर बर्फी, ये गुलाब जामुन। इस वक्त मैं मीनार गेट से शॉपिंग करके वापस रसूलपुर चौक आया हूँ और यहाँ पर मुझे अब मिठाई लेना है, और इसलिए मैं मिठाई लेने के लिए मिठाई की दुकान की ओर जा रहा हूँ। यह बाबा मिष्ठान भंडार अभी आइए आइए और है यहाँ पर लाइन में कई मिष्ठान भंडार है। बीकानेर मिष्ठान भंडार ये भी काफ़ी अच्छे से सजा हुआ है यहाँ भी, तो देख सकते हैं। अभी अभी मुझे यहाँ पर बीकानेर मिष्ठान भंडार मिला, मैं अभी इसमें जाऊँगा, कुछ मिठाई लूँगा, अंदर जाएंगे और देखते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दुकान कर रहा है। बर्फी किस तरह किलो है भाई जी? बर्फी कैसे किलो है? बर्फी 400 है। कितना कितना पीस चढ़ेगा किलो में? 25-30 पीस किलो है। रसगुल्ले
चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप दुकान, काफ़ी बड़ा दुकान है, दिखना स्वीट्स का है। इसी के साथ मेरा शॉपिंग खत्म होता है। मैंने बीकानेरी स्वीट से कुछ एक मिठाई भी ले ली है। अब मैं निकल रहा हूँ वापस अपने बाजार की ओर। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में।